झारखंड में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में वृद्धि की है संभावना। झारखंड में गर्मी अब अपना रूप दिखाने लगी है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उसके बाद गर्मी से राहत की भी संभावना है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली नम हवाओं की वजह से आगामी 3 और 4 अप्रैल को कुछ इलाकों में आंशिक बादल भी देखने को मिलेंगे। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है। जो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 40.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान भी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया 19.9 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें हीट वेव की, तो जो नॉर्थ वेस्ट झारखंड है, उत्तर पश्चिमी झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में हीट वेव ऑब्जर्व किया गया है। और अब अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आज 30 तारीख है, तो आज 30 तारीख को जो नॉर्थ वेस्ट झारखंड है और साथ साथ जो साउथ ईस्ट झारखंड है उसके कुछ कुछ इलाकों में हीट वेव के चलने की संभावना है। और अगले 5 दिनों में जैसे आज है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है आज में, और उसके बाद कल से अगले 3-4 दिनों में उसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। इसी कारण से आज कुछ कुछ जगह में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट झारखंड में हीट वेव होने की संभावना है। और बात करें रेनफॉल की, तो आने वाले 5 दिन हैं जो मौसम झारखंड में शुष्क रहेगा, कोई भी रेनफॉल की स्थिति नहीं बन रही है। 3 और 4 तारीख को झारखंड के कुछ कुछ इलाकों में आपको पार्शियल क्लाउडी स्काई मिलेगा, आंशिक बादल छाए रहेंगे। और अभी आने वाले दिनों में जैसे कि अभी स्ट्रांग विंड चल रहा है लोअर लेवल पे, जो हवा की गति है काफ़ी तेज है, तो ये आज और कल ये 2 दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की उम्मीद है झारखंड के कई इलाकों में। और बात करें तो कोई वेदर इवेंट कुछ खास वैसा है नहीं, आसमान साफ ही है और 3-4 तारीख को थोड़ा सा आंशिक बादल छाए रहेंगे। तो कुल मिला के ये है कि अगले 5 दिन झारखंड में मौसम शुष्क है और 24 घंटे में जो टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ेगी, और आपका जो नॉर्थ वेस्ट झारखंड है, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी झारखंड है, यहाँ पे कुछ कुछ इलाकों में आपको हीट वेव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। और अभी 5 दिनों में कोई भी बारिश नहीं है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि अभी जो आसमान है वो साफ है बट लोअर लेवल पे स्ट्रांग विंड्स हैं जिनकी वजह से जो गर्मी है जो आज बढ़ रही है वो कल से थोड़ी सी इसमें कमी आने की संभावना है। और 3-4 तारीख को आपका बे ऑफ बंगाल से कुछ नम हवाएं का रुख झारखंड की ओर होगा, जिसके वजह से भी थोड़ा आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है।